नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं तित्रम मोड़ पर बाल विकास ग्लोबल स्कूल में, जहां पर आपको बता दें कि आज बाल विकास ग्लोबल स्कूल में वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में जो बच्चों के साथ अभिभावक है वो यहां पहुंचे हैं। तो इस जो एनुअल डे फंक्शन पर रेस एंड रिदम यानी फिटनेस विद ताल यहाँ देखने को मिल रही है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से बच्चे आपस में ताल मिला रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ जो चीफ गेस्ट हैं वो ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुँचे हैं और जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो सांसद नायब सैनी जी पहुँचे हैं। और किस तरह से जो प्रोग्राम का आगाज है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गुब्बारे उड़ाकर किया जा रहा है। तो क्या कुछ इस अवसर पर जो मैसेज है वो जो प्रिंसिपल राजश्री चौधरी ने दिया और जो मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत चहल क्या बोले और आपको सुनाएंगे कि जो चीफ गेस्ट श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी पहुंचे हैं जो प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने बच्चों और अभिभावकों को अपनी तरफ से क्या संदेश दिया। सेलिब्रेशन में रेस एंड रिदम कार्यक्रम था। बच्चों ने रेस और रिदम दोनों का आपस में तालमेल बनाकर पूरे अच्छे से पेरेंट्स को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे कैथल शहर और गांव के आसपास के हजारों की संख्या में पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों की प्रस्तुति देखने के लिए। पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था उनके बच्चों की एक्टिविटी देखने के लिए और पेरेंट्स की भी मैन एंड वुमेन की एक्टिविटी विद्यालय द्वारा रखी गई थी और सारा कार्यक्रम बच्चों के द्वारा संचालित था। बच्चों के द्वारा ही प्रिपरेशन की गई थी इस कार्यक्रम की। बच्चों ने बड़े अच्छे से कार्यक्रम को करने का कार्य किया। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का ज्ञान भी विद्यालय के द्वारा दिया जाता है। विद्यालय में संस्कृति के ऊपर विशेष फोकस किया जाता है और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ और गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय नायब सिंह सैनी जी का भी इसी बात के ऊपर संस्कृति के ऊपर विशेष फोकस था कि विद्यालयों में किस प्रकार की से संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर आज का कार्यक्रम था। माननीय अध्यक्ष का यहाँ स्वागत करना मेरी जिम्मेवारी है। मैंने कहा कि मैं 2 बजे से पहले आऊँगा, मैंने अजीत जी को कहा, परंतु बच्चों ने तब तक यहाँ पर लगभग अलग अलग आइटम के माध्यम से अपनी प्रतिभा को यहाँ रखा है। उसके अंदर बच्चे हर गेम के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। उन बच्चों में से प्रथम भी आया, द्वितीय भी आया और तृतीय भी आया। कुछ बच्चे पीछे रह गए, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का मंच ये स्कूल के माध्यम से बच्चों को मिलता है। पढ़ाई के साथ साथ उनका शारीरिक रूप से भी विकास होता है कि बच्चे गेम के अंदर हिस्सा लेते हैं। हमारे प्राचीन विद्यालय शिक्षा और संस्कार दोनों का संगम होते थे। वर्तमान नई शिक्षा पद्धति में फिर इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे विद्यालय शिक्षा और संस्कार दोनों की स्थली बने, क्योंकि संस्कार पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं और पूरे जीवन को अच्छा रखने में मदद करते हैं। वर्तमान जमाने के हिसाब से जहां हमको विद्यार्थियों को थॉट मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट सिखाना चाहिए, वहीं उसके साथ साथ दुनिया जिस रास्ते पर जारी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ रही है, पूरी दुनिया अपने विद्यार्थियों को सिखा रही है, पूरी दुनिया के सामने जो नए चैलेंज हैं, क्योंकि अभी G20 का पूरा 56 शहरों में भारत के कार्यक्रम होने वाले हैं, तो इस समय दुनिया के जो सभी मुख्य देशों के सामने चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों को भारत में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अब एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य भारत ने उसका स्लोगन दिया है। पूरे पहले अलग अलग देशों के हिसाब से सोचना होता था, अब दुनिया के बड़े बड़े संगठन मिलकर पूरी पृथ्वी के जलवायु को लेकर सोचते हैं, पर्यावरण की समस्याओं को लेकर सोचते हैं, ईंधन को लेकर सोचते हैं, पूरी दुनिया में जो बीमारियाँ आती हैं उसको इकट्ठा होकर सोचते हैं, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं। तो पूरा अर्थ एक जो है परिवार की तरह से हो गया है और जैसे भारत का कंसेप्ट है, दुनिया के बहुत सारे देश
पहले दुनिया को एक बाजार के रूप में देखते रहे, कहाँ माल बिके, कितना माल बिके, कहाँ हथियार बिके, कहाँ हमारा कौन सा प्रोडक्ट बिक जाए। लेकिन अब भारतीय दृष्टि के हिसाब से चीज़ें महत्वपूर्ण हो रही हैं और उस नाते से भारत की जगह बनी है। तो मैं चाहूँगा स्कूलों में भी इस प्रकार के जो दुनिया के वर्तमान की चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हर पीढ़ी को अपने ज़माने के चैलेंजेस के लिए काम करना होता है, वो विद्यार्थियों के सामने लाया जाना चाहिए, जिससे हमारे विद्यार्थी अभी भी दुनिया भर में जाके अपनी सफलता का डंका बजाते हैं। इसी तरह से आने वाली पीढ़ी भी दुनिया में इसी प्रकार का अपनी सफलता का डंका बजाती रहे।